नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी लोग आ जाइए क्लास में, क्लास का टाइम हो चुका है और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएँ। तो जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था कि आज आपकी जीके की क्लास होगी, तो आज के क्लास में जीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये क्लास सभी लोगों के लिए होगी, चाहे वो PCM वाला हो, चाहे PCV वाला हो और चाहे PAG वाला हो, तीनों ग्रुप के लिए ये क्लास रहती है जीके वाली। तो सभी लोग आ जाएंगे क्लास में, और क्योंकि जीके के क्वेश्चन तो सबके सेम होते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, वो तीनों ग्रुप वालों के सेम होते हैं। तो ये जो क्लास रहती है वो तीनों ग्रुप के लिए रहती है। तो आप सभी लोग आ जाएंगे क्लास में और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। और जो साथी चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, 12 क्वेश्चन कर लिए थे, 13 नंबर क्वेश्चन थे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात नगरी किसे कहते हैं, जयपुर को, कोचीन को, जमशेदपुर को या कानपुर को। तो इस्पात नगरी किसे कहते हैं, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। इस्पात नगरी के नाम से जमशेदपुर को जानते हैं। जयपुर को किस नाम से जानते हैं, तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से किसको जानते हैं, और ये कानपुर और कोचीन इन दोनों को किसके नाम से जानते हैं, तो चमड़ा उद्योग नगरी के नाम से इनको जानते हैं, कानपुर और कोचीन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC का पूरा नाम है, ये कहाँ पे स्थित है। तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका, और ये जहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलेंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये है आपका मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग नोट कर लीजिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 3 जनवरी 1954 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, आप सभी लोग आंसर करिए इसका। आप लोग हमें एक बात बताइए, यहाँ पे हम जो अलग से चीज़ें आप लोगों को बताते हैं, तो ईमानदारी से बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग इसको नोट करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हम आपको अलग से चीज़ें बताते हैं उसको भी नोट करते चलते हैं, ईमानदारी से बताइए आप लोग। चलिए नोट करते हैं तो अच्छी बात है, और जो लोग नोट नहीं करते हैं इसको वो भी इसको नोट कर लिया करें, क्योंकि ये जो आप लोगों को अलग से चीज़ें बताई जाती हैं ये इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं UP कैंडिडेट में, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें भी बता दी जाती हैं। अगर इनसे क्वेश्चन आए तो ये भी आप लोग बिल्कुल सही करके आएँ, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें बता दी जाती हैं। और बच्चों, आप लोगों में से कोई ये कमेंट कर रहा था कि सर आपकी क्लास थोड़ी बड़ी रहती है, तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें समझाई जाती हैं, तो समझाने में टाइम तो लगता ही है, तो क्लास का टाइम तो थोड़ा लगेगा ही। और ऐसे ही अगर हम आप लोगों को बताते चलें, सीधे क्वेश्चन करके, सीधे क्वेश्चन और सीधे आंसर बताते चलें, तो इससे आप लोगों का कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को फिर एक ही क्वेश्चन पता चलेगा जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे हम आप लोगों को वो भी चीज़ें बताते चलते हैं, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन अगर UP कैंडिडेट में पूछेगा तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। उनकी ये ख्वाहिश थी कि थोड़ा छोटा वीडियो बनाइए, तो अब ये पढ़ाई का वीडियो है, पढ़ाई का वीडियो तो थोड़ा आधे घंटे का तो रहता ही है, आधे घंटे में आप लोगों को इतने क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। चलिए फिर भी कोशिश करेंगे,
थोड़ा छोटा करने की, यानी थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो आप लोगों को बतानी ज़रूरी हैं, तो वो नहीं बताएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो अब ये आपका कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, नहीं सॉरी, हाँ 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा जो है। कौन कौन से 8 राज्य हैं वो, तो आप लोग नोट कर लीजिए कौन कौन से 8 राज्य हैं जिनसे भारत में कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो वो है मिजोरम है, त्रिपुरा, राजस्थान, शॉर्ट में आरजे लिख देते हैं इसको, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुआ, एक बच रहा है, एक कौन सा है? मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और एक आपका होता है झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं दिया है, तो इनमें से ये महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। तो इसमें ये पूछा है कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। इसको याद करने की एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ये एक ट्रिक है इसे याद करने की, तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यह है पोलो खेलते वक्त किसकी मृत्यु हुई थी। तो पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी, सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं उन लोगों को बता दें, यहाँ पे यूपी कैडेट के लिए बहुत सारी क्लासेस कराई जा चुकी हैं और वो लोग जाके देख सकते हैं उसको। ये यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये सारी क्लासेस की वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहाँ से जाके ये सारी क्लासेस आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उन सब क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो एक भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं करनी, और जो छूट चुकी हैं क्लासें उन क्लासेस को भी आप लोगों को यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है उनमें जाके तैयार करना है। और इसके साथ साथ थ्योरी क्लासेस भी आप लोग तैयार करते चलिए, थ्योरी क्लासेस की हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उनसे आप लोग तैयार कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं उन लोगों को बता दें, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप लोग उस पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो ये पोलो खेलते वक्त किसकी मृत्यु हुई थी, तो पोलो खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो पोलो खेलते समय हुई थी, कौन सी सन में हुई थी, 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। और पोलो को चौगान भी बोलते हैं, अगर चौगान खेलते समय आ जाए, चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की, 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था, और प्रथम राजा भी था, ये संस्थापक था गुलाम वंश का, और ये प्रथम राजा भी था गुलाम वंश का। और हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी, तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो साथी नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दें, यहाँ पे इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है, उस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी सेंड किए जाते हैं, और जो यूपी कैडेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी उस पर सेंड कर दिए जाएंगे पेड ग्रुप पे।
तो जो साथी नए जुड़े हैं उन लोगों को नहीं पता है कि पेड ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है, तो वो लोग ये टेलीग्राम नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, 9720802028, 9720802028, 9720802028, ये टेलीग्राम नंबर है, इस पे आप लोगों को मैसेज करनी होगी यूपी कैटेट PDF 2022। ये आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को उस पर रिप्लाई मिल जाएगा कैसे आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया जाएगा और कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उस पर क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारी जानकारी आप लोगों को इस पर मिल जाएगी। आप लोगों को केवल मैसेज करनी है, कॉल नहीं करनी है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप लोग कॉल करके वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कॉल नहीं करनी है आप लोगों को। और जो लोग पेड ग्रुप पे ज्वाइन हैं उन लोगों को हमने वो प्रोवाइड किया था PDF, तो उम्मीद करता हूँ उन लोगों ने तैयार कर लिया होगा, तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। बॉटनी का PDF प्रोवाइड किया था आप लोगों को और बॉटनी के नोट्स प्रोवाइड किए थे, और आप लोगों को अलग से GK के क्वेश्चन दिए गए थे, तो जितने आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सब आप लोग तैयार करते चलिए साथ के साथ, क्योंकि वही चीज़ें उस पर प्रोवाइड की जाती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो पेड ग्रुप बना है वो PCM और PCU वालों के लिए अलग है और PAG वालों के लिए अलग है, तो जो चाहे वो इसी प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, इस नंबर पे मैसेज करनी होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था आपका, फरीद किसका वास्तविक नाम है? तो फरीद जो है वो शेर शाह का वास्तविक नाम, बचपन का नाम था शेर शाह के, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है, रामतन पांडे किसका मूल नाम था? रामतन पांडे किसका मूल नाम था? तो रामतन पांडे जो था वो किसका मूल नाम था? सभी लोग आंसर करिए जल्दी से, और क्लास को शेयर नहीं किए हैं वो लोग शेयर कर देंगे क्लास को, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो लोग क्लास को लाइक कर देंगे। ये रामतन पांडे किसका नाम था? तो रामतन पांडे जो है वो तानसेन के बचपन का नाम था। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तो रामतन पांडे था। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में, ग्वालियर। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। बचपन के नाम भी पूछे जाते हैं, तो इसका PDF आप लोगों को उसी पेड ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा, जितने बचपन के नाम हैं और दिवस हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उपाधियां वगैरह, ये सब आप लोगों को उस पर पेड ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो उसको आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। तो ये है, तानसेन हो गया। और बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर जितनी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं सब आप लोग नोट कर लीजिए। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल के बचपन का नाम आप लोग नोट कर लेंगे, महेश दास, महेश दास, महेश दास था। और नाना साहेब के बचपन का नाम क्या था? तो नाना साहेब के बचपन का नाम था धोदू चंद्र पंत, या धोदू पंत भी लिख के आ जाता है, तो धोदू पंत आप लोग लिख लेंगे, धोदू पंत। धोदू पंत जो है वो नाना साहेब के बचपन का नाम था। और ये तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, पांडुरंग ये तात्या टोपे के बचपन का नाम था। और एक क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, ये यूपी कैटेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, यूपी कैटेट में पूछा गया है, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु या मणिकर्णिका। मणिकर्णिका एक मूवी भी आई है, आप लोगों ने देखी होगी मणिकर्णिका, ये रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर है। तो इनके बचपन का नाम था, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका, ये क्वेश्चन यूपी कैटेट में पूछा गया है, तो ये सब आप लोग नोट कर लेंगे जितने भी बचपन के नाम हैं। ये है, नमक का तेजाब है। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो चलिए थोड़े केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेंगे वो आगे कराए जाएंगे क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये नमक का तेजाब किसे कहते हैं? तो नमक का तेजाब कहते हैं नाइट्रिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। तो नमक का तेजाब नाइट्रिक एसिड को, वो सॉरी यार, नाइट्रिक एसिड को नहीं,
HCl को बोलते हैं नमक का तेजाब, नाइट्रिक एसिड को तो सोरे का अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड को सोरे का अम्ल बोलते हैं, इसको HCl को बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड को सोरे का अम्ल बोलते हैं, सोरे का अम्ल या सोरे का तेजाब बोलते हैं इसको। तो नमक का तेजाब HCl को बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोरे का तेजाब किसे बोलते हैं तो HNO3 नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं, और H2SO4 को क्या बोलते हैं तो यहाँ पे H2SO4 को आप लोग नोट कर लेंगे, रासायनिक द्रव्यों का राजा, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है तो आप लोग नोट कर लेंगे, बोल दे रहे हैं रासायनिक द्रव्यों का राजा, और गंधक का तेजाब या गंधक का अम्ल किसको बोलते हैं तो ये H2SO4 को बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और NaCl तो आप लोग जान ही रहे हैं, साधारण नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। ये है आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र है, एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है तो आप सभी लोग आंसर करिए जल्दी से इसका, एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है Al4C3। एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Al4C3, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है AlN में एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होगी, एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होगी, तो संयोजकता कैसे निकालते हैं, संयोजकता क्या होती है, किसी की आयतन कोश में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता भाई हो जाएगी। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का आपका एटम नंबर कितना होता है, इसका 13 होता है, तो इसको आयतन कोश में कितने होंगे, 2, 8, 10 हो गया, आप कितने बचे 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता प्लस का 3 हो जाएगी, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि आयतन कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से 8 को घटा देते हैं, ऐसे 5 होता है यहाँ पे, तो 5-8 कर देते, 5-8 कर देते तो यहाँ पे संयोजकता कितनी आ जाती, तो 5-8-3 आ जाती, यहाँ पे आपकी एल्यूमिनियम के पूछिए तो इसकी 3 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और एक माइनस वाली में, तो नाइट्रोजन की यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन की माइनस में आती है, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है एटमिक नंबर, 7 होता है, तो इसको करेंगे तो 2, यानी कि 2 पहले में आ गए, दूसरे में 8 आते हैं, तो यहाँ पे 8 तो बचे नहीं है, कितने बचे हैं, 5 बचे हैं, तो 5 आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये 5 है, यानी कि 3 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में से 8 को घटा देंगे, 8 में से 5 को नहीं घटाएंगे, 5 में से 8 को घटाएंगे, तो 5-8 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, तो इसकी जो संयोजकता होती है, संयोजकता को बैलेंसी बोलते हैं, तो इसकी जो बैलेंसी होती है वो -3 होती है, किसकी, नाइट्रोजन की, और एल्यूमिनियम की +3 होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है एक धातु के सल्फेट का सूत्र M2SO4 का ऑल्थराइस है, तो धातु फास्फेट का सूत्र क्या होगा, तो इसके फास्फेट का सूत्र होगा M3PO4 का ऑल्टोआइस, M3PO4 का ऑल्टोआइस, ये आप लोगों को क्वेश्चन कराए गए हैं थ्योरी क्लास में, तो जिन लोगों ने थ्योरी क्लास देखी होगी उन लोगों को पता होगा, आप लोगों ने नहीं देखी है तो ये आप लोग थ्योरी क्लास में जाके कर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है डाल्टन के अनुसार द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं, डाल्टन के अनुसार द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें क्या बोलते हैं, तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, सही आंसर आना चाहिए सबका, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमाणु, क्या बोलते हैं, परमाणु, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, परमाणु या एटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध है, मैं ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन, तो सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए इसका, अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध है, अणुभार को इंग्लिश में मॉलिकुलर वेट बोलते हैं और वाष्प घनत्व को वेपर डेंसिटी बोलते हैं, तो इन दोनों में संबंध क्या होगा, तो अणुभार में अणुभार इजिकल्स टू 2 वेपर डेंसिटी, यानी कि मॉलिकुलर वेट इजिकल्स टू 2 वो वेपर डेंसिटी, और हिंदी में कह देंगे अणुभार इजिकल्स टू 2 वाष्प घनत्व, ये हो जाएगा, और अगर वेपर डेंसिटी बराबर निकालेंगे, यानी वेपर डेंसिटी इस साइड है, ये इस साइड है, और इस साइड लेके आएंगे
तो इसको क्या कर देंगे, अड़ोभार, अड़ोभार, अड़ोभार इधर है और टू इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इसको ये भी लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू अड़ोभार बट्टे दो, या अड़ोभार इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी। तो इसका ये आपका तीसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी एंड सी दोनों इसमें सही है। वाष्प घनत्व का फॉर्मूला ये होता है। तो आप लोगों को हम पहले ही बताए थे, अगर आप लोगों ने तब नोट नहीं किया था तो आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ये है आपका क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सी एल माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सी एल माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो सी एल माइनस लगा यहाँ पे, वैसे तो इसमें 17 होती है लेकिन माइनस लगा है तो माइनस है, एक माइनस है तो एक जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें। अगर कोई चार्ज नहीं होता है इसमें किसी तत्व पे, अगर कोई चार्ज नहीं होता है किसी एलिमेंट पे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। अगर इस पर कोई चार्ज ना होता तो इसका एटॉमिक नंबर 17 हुआ है तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी 17 हो जाती है, लेकिन इस पर माइनस चार्ज लगाए, माइनस लगाए तो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, और अगर प्लस लगा हो तो इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है। इसमें उल्टा होता है, माइनस लगाए तो जुड़ जाएगा और प्लस लगाए तो माइनस हो जाएगा। तो इसका 18 डी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है एम जी प्लस प्लस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एम जी प्लस प्लस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पहले तो आप लोग ये बताइए हमें एम जी प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, सभी लोग आंसर करिए इसका जल्दी से। एम जी प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो एम जी प्लस प्लस में कितनी होगी। एम जी में आपका मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो एम जी प्लस प्लस लगा है। वैसे अगर कोई चार्ज ना लगा होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते, इसमें 12 होते हैं, लेकिन प्लस प्लस दो बार लगा है तो प्लस प्लस, अगर मैंने अभी आपको बताया प्लस लगाए तो माइनस हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, दो बार प्लस लगाए तो दो माइनस हो जाएगा, यानी इसमें एम जी प्लस प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, 1s2, 2s2, कितने चार इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पी में आएंगे तो पी में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 6, 6 आ सकते हैं, तो 2p6 आ जाएगा, यानी आप लोग देख लीजिए कितने, 6, 2, 8 और 2, 10, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लास्ट इसमें पूछा है कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो बाह्यतम कोश कितना है, 2p6 है बाह्यतम कोश, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, सॉरी यहाँ पे कोस पूछा है, तो बाह्यतम कोस में 2a है और 2a है, तो यहाँ पे 2s का भी जुड़ेगा, 2s2 का भी जुड़ेगा और 2p6 का भी जुड़ेगा, यानी कि ये 2 ही तो है कोस, कोस तो यही है, और ये आपका ये sp क्या होता है, sp आपका होता है उपकोस, और ये जो नंबर होते हैं ये कोस होती है। तो इस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 6 और प्लस 6 प्लस 2 ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये दूसरी कोश में है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको आप लोग थोड़े सही से किया करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसे ही आप लोग ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो 6 ऑप्शन भी नहीं दिया था, अगर 6 ऑप्शन दिया होता तो आप लोग इसको 6 ही करके चले जाते, इसलिए आप लोग थोड़े ध्यान दिया करेंगे, क्लास को थोड़े ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, वो सब आप लोग तैयार करते चलेंगे। ये है आपका अफवाह नियम के अपवाद हैं, अफवाह नियम के अपवाद क्या हैं, तो अफवाह नियम क्या है, अगर किसी को पता है तो कमेंट करें जल्दी से, अफवाह नियम क्या है, अफवाह नियम क्या है, कमेंट करिए आप लोग। तो देखिए अफवाह एक जर्मन भाषा का शब्द है, अफवाह जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जर्म कौन से भाषा का शब्द है, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। अफवाह के नियम के अनुसार क्या होता है, अफवाह के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, अफवाह नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो जैसे कि आपका ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यानी कि ऐसे ही बढ़ते क्रम में प्रवेश करते चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन के, जब ये सेल पूरी कंप्लीट हो जाती है पहली सेल, उसके बाद अगली सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, जब तक पहली सेल कंप्लीट नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन उसी में भरेगा, जब ये सेल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट फेज में इलेक्ट्रॉन जाता है।
तो यहाँ पे अपवाद नियम का अपवाद कौन सा होता है? तो अपवाद आपका होता है क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर जो हैं वो इसके अपवाद होते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो क्रोमियम का 24 होता है। क्रोमियम का 24 होता है। और इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? इसके बाह्यतम कोष में 4s1, 3d5 आते हैं। यानी कि यहाँ पे वन हो गया, 2 नहीं हुआ। और भरने के लिए इसको एस में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही रह गया। क्यों एक रह गया? क्योंकि अगर यहाँ पे 2 हो जाते तो यहाँ पे 4 रह जाते, यहाँ पे 4 रह जाते। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये वाला अगर आधा कोष कंप्लीट हो, या तो आधा कोर्स कंप्लीट हो या पूरा कोर्स कंप्लीट हो, तो ज़्यादा स्टेबल रहता है। इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इसको कंप्लीट 3d5 वाले को कंप्लीट करने के लिए, 3d5 वाले को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। तो वैसे अफवाह का नियम क्या कहता है? अफवाह का नियम कहता है कि जब तक ये कोर्स पूरा ना भर जाए तब तक आगे वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। लेकिन ये अफवाह के नियम का अपवाद है। तो जैसा कि आप लोगों से पूछा गया, ये अफवाह के नियम का अपवाद है। ऐसे ये कॉपर का होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो कॉपर का 29 होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो कॉपर के बाह्यतम कोष में 4s1 और 3d10 आते हैं। 4s1 और 3d10, यानी कि इस कोष को पूरा भरने के लिए, यहाँ पे तो आधा भरने के लिए किया गया था, और यहाँ पे कंप्लीट भरने के लिए डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कंप्लीट भरने के लिए यहाँ पे एस से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया गया। तो ये अफवाह के नियम के दो अपवाद होते हैं। आप लोग बस इतना याद कर लेंगे कि अफवाह के नियम का अपवाद कौन कौन है, तो कॉपर और क्रोमियम पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये है, कौन से समस्थानिक हैं? इनमें से समस्थानिक कौन से हैं? Na+, Mg++, H- या हीलियम? तो समस्थानिक कौन कौन से हैं? समस्थानिक का कौन कौन से हैं, आप लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। और ये क्वेश्चन आज लास्ट करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो इसमें जो 1H1 और 1H3 हैं, ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक हैं। समस्थानिक होते क्या हैं? समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप बोलते हैं इसको। तो आप लोग इंग्लिश वर्ड भी याद कर लेंगे, क्योंकि हिंदी में भी आइसोटोप लिख के आ सकता है। तो इसको आइसोटोप के नाम से इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं। तो आइसोटोप होते क्या हैं? यानी कि इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर समान होता है, लेकिन एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर समान होता है और एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। और एक होते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स कौन से होते हैं? आइसोबार्स वो होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है और एटॉमिक वेट समान होता है। आइसोबार्स को हिंदी में वो बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं आइसोबार्स को। तो उसमें क्या होता है? उसमें एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है और एटॉमिक वेट समान होता है। जैसे आपका ये डी ऑप्शन में दिया है, ये आपका आइसोबार्स का एग्जाम्पल है। यानी इसमें देखो, पोटेशियम और कैल्शियम अलग अलग एटॉमिक नंबर है, लेकिन एटॉमिक वेट समान है, 40-40 है दोनों का। तो ये आपका आइसोबार्स का एग्जांपल है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। तो ये मैं आप लोगों को हर क्लास में बता देता हूँ जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अब आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए थे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और इसका PDF जो है वो आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन बचे हैं, वो क्वेश्चन कल कंप्लीट करा के आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक आप लोगों को उस पर जो कुछ प्रोवाइड किया जाता है वो आप लोग याद करते चलिए। और जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप लोगों को बता दें, इस यहाँ पे पेड ग्रुप बनाए, जो साथी नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दें, यहाँ पे पेड ग्रुप बना है, उस पर ये सारे PDF मिलते हैं। तो जो लोग पेड ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं, वो ये हम नंबर लिख रहे हैं 9720802028, ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोगों को मैसेज करनी होगी यूपीकेटेड PDF 2022 लिखकर, तो आप लोगों को उस पर रिप्लाई मिल जाएगा, कैसे आप लोगों को PDF मिलेगा, कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उस पर क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो सब चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। केवल आप लोग मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अब आप लोगों को जितनी भी क्लासेस कराई जाती हैं वो आप बहुत अच्छे से तैयार करते चलिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आप लोग बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे, जितना आप लोगों को डेली कराया जाता है वो आप लोग डेली का डेली तैयार करेंगे।
चलिए, तो आप लोगों का लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।